Good morning students, welcome to our YouTube channel Next Exam 8 PM by Akarshak Academy. आज हम लोग basic maths के lecture number 12 में हैं. Last class में हमने नया topic start किया था जिसका नाम था binomial theorem. सबसे पहले आज हम लोग कुछ doubts के questions को solve करेंगे या फिर उसमें हमारा revision भी होगा. ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे student doubt पूछ रहे हैं और उनको वो practice कर रहे हैं. इस तरह से आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए और जो भी कोई डाउट है आप पूछिए. इससे मैथ्स चूँकि कोर्स ऐसा होता है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आप परफेक्शन ला सकते हैं. इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें प्रीवियस ईयर और दूसरे बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले किसी स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन पूछा है वो पार्शियल फ्रैक्शन से. इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं पहले. Find the partial fraction of 1 upon x raised to the 4 plus x square plus 1. ठीक है, इसे हमें partial fraction में बदलना है. तो थोड़ा हम लोग revision करते हैं. इसमें हम लोग इसमें क्या करते थे, अगर मान लीजिए अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन होता था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का, और इसके हम लोग फैक्टर्स अगर नहीं बदल सकते थे, मतलब एक्स प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू टाइप के फैक्टर में अगर नहीं बदल सकते थे तो हम लोग क्या कर सकते थे. इसे अगर हम लोग इस तरह के फैक्टर बदल सकते थे तो क्या करते थे पहले वो देखते हैं. तो हम लोग इसे क्वाड्रेटिक हेतु से सिंपल नीचे अगर लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया हमने तो हम उसे ए कांस्टेंट अपॉन लीनियर करके सॉल्व करते थे और कोफिशिएंट को कंपेयर करते थे. अगर हम इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर को सिंपल लीनियर फैक्टर में तो दूसरा मेथड क्या होता था कि हम इसे ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप से हम लोग ब्रेक करते थे. ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक एक कम पावर ऊपर पे लिखना पड़ेगा, यानी कि एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी टाइप से लिखना पड़ेगा. फिर हमें इसे क्वाड्रेटिक का एक टर्म लिखना पड़ेगा. फिर हमें कॉन्स्टेंट, जैसे इसमें एक कॉन्स्टेंट वाला टर्म आता है डी अपॉन ये फैक्टर, फिर हमें क्यूबिक क्वाड्रेटिक लीनियर फिर एक कॉन्स्टेंट, ये काफी थोड़ा लेंथी होता प्रोसेस. तो इसे अगर हम लोग एक छोटी सी ट्रिक के साथ या फिर छोटा सा मैनिपुलेशन के साथ इसे हम लोग लिखेंगे तो आप इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स रेज पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखेंगे, बाकी सब टर्म वही है. एक्स स्क्वायर को हमने क्या किया, ट्वाइस लिख दिया तो हमें एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो ये वापस यही बन जाएगा. अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर. एक्स फोर को हमने जो बाय क्वाड्रेटिक था पावर फोर था उसे इस तरह से स्क्वायर के फैक्टर में लिख दिया. ठीक है, इसे फर्दर हम लोग देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ब्रेक कर सकते हैं. तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स. ये पूरा हमारा ए है, ये हमारा बी की तरह एक्ट कर रहा है. तो इसका मतलब है कि ये क्या बन गया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन. ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने. अब इसे हम लोग अगर ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग लीनियर फैक्टर लिखते हैं. क्वाड्रेटिक मतलब पावर टू, लीनियर मतलब पावर वन एक्स का, और नीचे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. फर्दर इसे हम सेकेंड वाले फैक्टर को सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन में कन्वर्ट कर सकते हैं.
ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग इसकी प्रोसेस थे उसमें अगला स्टेप क्या होता था, हम लोग इसे अगर एलसीएम लेंगे तो ये वाला फैक्टर मिलेगा, मतलब ये वाला डिनोमिनेटर, यानी कि ये और ये डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। इसका न्यूमिनेटर अगर हम लोग इसे एलसीएम लेके एक बार लिख लेते हैं हम लोग, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये माइनस एक्स है, तो अगर इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सिंपल हम लोग एलसीएम लेके इसे ऐड कर रहे हैं, इससे हम क्या पाएंगे कि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमिनेटर सेम होगा, तो कंपेयरिंग कोफिशियंट इन द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में इस साइड तो वन है सिर्फ, राइट हैंड साइड क्या है, दिस प्लस दिस, यानी ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सॉरी माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। से पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करने पे ए एक्स प्लस बी, ये वाला टर्म को करेंगे तो क्या बनेगा, सी एक्स क्यूब स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, तो बाकी टर्म क्या हम लोग लिख सकते हैं, जीरो से कोफिशियंट को, जीरो कोफिशियंट के साथ बाकी टर्म को लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिख सकते हैं जीरो एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस वन। तो कोफिशियंट कंपेयर करने का मतलब एक्स क्यूब के टर्म को यहाँ के एक्स क्यूब के कोफिशियंट से हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ तो एक्स क्यूब का कोफिशियंट जीरो है, एक्स स्क्वायर का भी जीरो है, एक्स का भी जीरो, तो ये पहला इक्वेशन क्या बनेगा, जीरो इक्वल्स टू यहाँ से एक्स क्यूब का कोफिशियंट ए और सी है, ठीक है, ये सब एड में प्लस कर रहे हैं हम लोग, तो ए प्लस सी, ठीक है, इक्वेशन ये एक बना। दूसरा इक्वेशन फिर से एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट इस साइड क्या क्या है, बी और डी दोनों ऐड है और ए और सी भी है, तो मतलब क्या है, बी माइनस ए स्क्वायर का कोफिशियंट सी प्लस डी भी है प्लस डी प्लस सी, ये इक्वेशन टू बन गया। और थर्ड इक्वेशन एक्स के कोफिशियंट कंपेयर करेंगे तो अभी जीरो है, एक्स का कोफिशियंट ये है और ये है, मतलब माइनस बी और प्लस ए प्लस डी प्लस सी, ये इक्वेशन थ्री बन गया। अब फोर्थ इक्वेशन क्या, कांस्टेंट टर्म को इस साइड तो वन है, इस साइड कांस्टेंट टर्म बी और डी है, तो वन इक्वल्स टू बी प्लस डी, ये हमारे चार इक्वेशन है। अब यह चार इक्वेशन, चार वेरिएबल ए बी सी डी, इनकी वैल्यू चाहिए हमें, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ अगर ध्यान से देखें तो पाएंगे ए और सी की वैल्यू जीरो है, तो वन और थ्री को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन थ्री को सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस सी की वैल्यू, ए प्लस सी की वैल्यू क्या है, जीरो, वो पुट कर देंगे। थर्ड में हम लोग पुट कर रहे हैं इक्वेशन वन की वैल्यू, तो ये बच क्या रहा है, माइनस बी, ठीक है, ए और सी का सम जीरो है, सिर्फ डी बच रहा है, तो बी प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। और फोर्थ इक्वेशन में बी प्लस डी वन है, तो वन इक्वल्स टू बी प्लस डी, से अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, बी बी कैंसिल टू डी, तो मतलब क्या हो गया, डी इक्वल्स टू हाफ, डी की वैल्यू हाफ आ गई,
डी की वैल्यू हाफ आ गई, तो यहाँ से हम लोग बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बी बराबर क्या है, डी है, बी बराबर डी है, मतलब बी भी हाफ हो गया। ठीक है, बी हाफ डी हाफ। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे तो क्या हो रहा है। इक्वेशन वन से हमारा क्या निकल रहा है, ए इक्वल्स टू माइनस सी। ठीक है, और ए और सी में रिलेशन और कहाँ से हम लोग ला सकते हैं, ए और सी में यहाँ से रिलेशन आ सकता है, सी बी और ए कैंसिल हो जाएगा तो सी और डी में रिलेशन आ जाएगा। तो इक्वेशन टू और थ्री को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इक्वेशन टू एंड थ्री को हम लोग सॉल्व करते हैं। इक्वेशन टू प्लस थ्री, इक्वेशन टू प्लस थ्री अगर करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हमें, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, सी प्लस डी, यानी टू टाइम्स सी प्लस टू टाइम्स डी इक्वल्स टू जीरो, यानी सी प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। डी की वैल्यू हमें हाफ पता है तो सी बराबर क्या हो गया, माइनस वन बाई टू। डी की वैल्यू हाफ है, इस साइड जाएगी तो माइनस हाफ। तो क्या क्या मिल गया, बी मिल गया, डी मिल गया, सी मिल गया, ए बचा है। ए बराबर हम माइनस सी निकाल चुके हैं क्वेश्चन वन से, तो ए माइनस हाफ है, सी माइनस हाफ है, तो ए क्या हो गया, प्लस हाफ। यानी कि हमारा ए बी सी डी सब की वैल्यू हमारे पास आ गए, तो हम लोग सिंपली से यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्या क्या है, ए की वैल्यू हाफ है तो ये बन गया वन बाई टू एक्स प्लस, बी की वैल्यू क्या है, हाफ है अगेन हाफ, नीचे तो वही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू माइनस वन बाई टू, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू हाफ प्लस हाफ, और डिनोमिनेटर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। आप चाहे तो हाफ कॉमन लेके लिख सकते हैं, सबसे कॉमन आ जाएगा तो बचेगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ क्या बचेगा माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, फर्स्ट स्टेप इसका इम्पोर्टेंट था कि एक्स जो है बाई क्वाड्रेटिक है, इसे हम लोग सिंप्लीफाई करके एक दो स्क्वायर के फैक्टर में लिख लिए तो इजी हो गया कैलकुलेशन हमारा। इजीली ये हमारे फोर मार्कर में आ सकते हैं। जिन्होंने पूछा होगा मुझे लग रहा है उन्हें समझ में आ गया होगा, वो लोग सॉल्यूशन देख लें, और जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं देखा था इसे सॉल्व कर आप कोई भी क्वेश्चन जो यहाँ पे सॉल्व करवाया जाता है उसे आप वीडियो पॉज करके एटलीस्ट खुद से ट्राई करें, ताकि आप देख सकें कि आप उसे सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो अच्छी बात है, उसे आप सॉल्यूशन के साथ यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं, या फिर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप इसके सॉल्यूशन को देखें एक बार फिर से ट्राई करें दोबारा बिना देखे इस क्वेश्चन को। और आप कोई सा भी डाउट पूछते हैं तो आपके नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें ज़रूर वो सॉल्व होगा अगर आपने डाउट पूछा है तो। और अगर कोई पिछली क्लास में डाउट रह गया हो, आपको अगर कैलकुलेशन में कोई एरर आ गई हो, तो वो आपके नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, उसे आप नेक्स्ट लेक्चर देखने के बाद डाउट पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि किसी स्टूडेंट ने फिर से डाउट ही पूछा है नए क्वेश्चन में, इनसे सभी का फायदा हो सकता है, आप लोग भी देखें और इसे सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके। दूसरा जो क्वेश्चन है ये डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट बी प्लस
प्लस सी, ए प्लस बी, और ए गिवन है सी प्लस ए, बी प्लस सी, और बी गिवन ए प्लस बी, सी प्लस ए, और आपको गिवन सी। प्रूफ क्या करना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्यू माइनस थ्री ए बी सी, ये प्रूव करना, ठीक है। ये डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट का हम लोग एक्सपेंशन पर है, तो इसे हम चाहे तो डायरेक्ट अगर किसी रो या किसी कॉलम के अराउंड अगर इसे ओपन कर दें तो हमें आरएचएस मिल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव करने के लिए दिया हुआ, ठीक है। इसे आप अगर ध्यान से खोलेंगे तो पक्का हमें ये मिल जाएगा, लेकिन हम एक इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करें, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी देखा था कि किसी कॉलम को किसी कॉलम से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये प्रॉपर्टी आपका रिवीजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि क्या हम इसमें कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्या। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, सी है, इसे अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे तो देखते हैं क्या बनता है। इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, सी टू को हम लोग क्या कर रहे हैं, सी टू माइनस सी थ्री से रिप्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब रिप्लेस करना होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये डेल्टा है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो रही है, फर्स्ट तो कॉलम वही वही लिख रहा है, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, बी, ठीक है, सी और ए, ए प्लस बी में ए घट गया तो बी, बी प्लस सी में बी घट गया तो सी, सी प्लस ए में सी घट गया तो ए, और सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम को हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ कि हमारा ये जो कॉलम था वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया फर्दर, इसे अब हम लोग डायरेक्टली ओपन कर सकते किसी रो या किसी कॉलम के अराउंड। अगर मान लीजिए हम लोग फर्स्ट फर्स्ट जो हमारा कॉलम है उसके अराउंड खोलेंगे तो क्या बन सकता है हमारा, बी प्लस सी, ठीक है, अराउंड खोल रहे हम लोग तो ये कॉलम और ये रो को उड़ा देंगे, बाकी जो बच गया उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस में हो जाएगा। हम यहाँ पे डिटरमिनेंट को ओपन करने के लिए भी सीख रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था तो ये प्लस साइन के साथ खुलता है, सेकेंड वाला माइनस साइन के साथ खुलेगा, अल्टरनेटिव साइन के साथ खुलता है, हमने ये साइन कन्वेंशन देखा था। तो सेकेंड वाला में क्या होगा, माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे, माइनस सी प्लस ए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये रो और ये कॉलम गायब हो जाएगा, ये और ये बचेगा, ये मतलब बी इंटू सी माइनस ए स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर, प्लस थर्ड रो थर्ड कॉलम रो में क्या है, ए प्लस बी, तो ये रो और ये कॉलम गायब हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है, सिंपल है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ओपन करना हमें आना चाहिए, हम लोगों ने कई क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे, आप लोग ध्यान से इसे देख लीजिए फिर से। अब हमें सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर देना, हर चीज हमें मिल जाएगा, बी से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, सी स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, सी से मल्टीप्लाई फिर करेंगे तो सी क्यूब माइनस ए बी सी, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, पहले सी से क्या बनेगा, माइनस बी सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर सी, ए से करेंगे तो माइनस ए बी सी और माइनस ए क्यूब, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ए क्यूब होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर सी, बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, बी क्यू माइनस ए बी सी, ठीक है। अब कुछ कैंसिल हो रहा होगा, हमें ध्यान से देखना है इसके लिए, ये टर्म क्या है, माइनस ए स्क्वायर सी, ठीक है, और माइनस ए स्क्वायर सी टर्म कहाँ है, माइनस ए स्क्वायर सी टर्म आ रहा है, माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है, और
एक टर्म कौन सा कैंसिल हो रहा है, और ए स्क्वायर सी, ये वाला टर्म सी स्क्वायर बी, सी स्क्वायर बी कहीं आ रहा होगा, ये देखिए सी स्क्वायर बी, बी सी स्क्वायर लिखा हुआ, ये सी स्क्वायर बी लिखा हुआ, दोनों टर्म सेम ही, तो ये कैंसिल हो गया इससे, ठीक है। और कौन सा टर्म बच रहा, माइनस ए स्क्वायर सी, माइनस ए स्क्वायर सी, हमें कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा एक बार फिर से, दोनों माइनस में आ रहे, तो ये टर्म कहाँ से आ रहा था, अगर देखेंगे तो माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर सी, ये आ रहा होगा टर्म, ठीक है। और ये टर्म आ रहा माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर सी जो कि यहाँ है, ये इससे कैंसिल होगा। कैलकुलेशन सिर्फ ध्यान से करना है, प्लस माइनस साइन को ध्यान से लिखना, तो हमारा क्या आंसर बन जाएगा सॉल्व करेंगे तो, यहाँ क्या है सी क्यूब है, यहाँ क्या है ए क्यूब है, यहाँ क्या है प्लस बी क्यूब है, ठीक है। और यहाँ क्या है माइनस ए बी सी, माइनस ए बी सी माइनस ए, तो माइनस थ्री ए बी सी बन गया, ये हमारा आर एच एस, ठीक है, ये हमारा एल एच एस था, तो एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया, तो प्रूफ ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन जिन लोगों से नहीं बना था देख लें इसे, प्रैक्टिस करें, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, फोर मार्कर में, इसलिए इसे प्रैक्टिस पक्का कर लें। यहाँ पे तो इजी सवाल था, अगर आप चाहते तो डायरेक्ट भी ओपन कर सकते थे, ठीक है, आंसर मिल जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन अच्छे से करना होगा। थर्ड क्वेश्चन भी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से ही, और ये भी प्रूव ही करना था, प्रूव दैट 1 upon a + 1 upon b + 1 upon c + 1 ये जो है इज ए फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट, एक डिटरमिनेंट गिवन है उसका ये फैक्टर है, 1 plus a, 1 1, 1 1 plus b, 1 1 1, 1 plus c। क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना, बोला कि ये जो है ये वाला टर्म इस डिटरमिनेंट का एक फैक्टर, मतलब कि इससे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। और हमने डिटरमिनेंट के डिफिनेशन में क्या पढ़ा था, डिटरमिनेंट एक पर्टिकुलर नंबर होता है, एक संख्या होती है, तो जैसे मान लीजिए 4 एक संख्या, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं 2 into 2 या 4 into 1, तो ये जो हमारा 2 into 2 हुआ, 2 जो है इसमें क्या कहलाता है, इसका फैक्टर कहलाता है। तो ये डिटरमिनेंट जो है इसकी जो भी वैल्यू आ रही होगी, क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि ये जो है x into y टाइप का एक फैक्टर है, ठीक है, जिसका एक फैक्टर ये है, ठीक है, या तो x होगा या तो y होगा, एक बार हमें पता नहीं है, ठीक है। ये इस डिटरमिनेंट को 2 या 2 से ज़्यादा के फैक्टर में भी लिख सकते, तो यहाँ हम लोगों ने किसी एक एक्स या वाई को ये दिखाना ताकि ये अपने आप फैक्टर में बदल जाए, एक्स और वाई इसके 2 फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले तो हम डिटरमिनेंट की वैल्यू देखते हैं क्या है, तभी हम लोग इसे फैक्टर के फॉर्म तोड़ सकते हैं। तो अगर हम किसी रो या कॉलम के अलोंग खोलेंगे इस डिटरमिनेंट को, तो क्या वैल्यू होगी, मान लीजिए अभी हमने एक कॉलम के अलोंग खोला था, इस वाले को हम लोग रो के अलोंग खोलते हैं, आप किसी भी रो के अलोंग खोल सकते हैं, किसी भी कॉलम के अलोंग खोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको साइन कन्वेंशन याद होनी चाहिए, ऑल्टरनेटिव होता है, कई बार हमने लिखा था जब ये टॉपिक पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट का रो के अलोंग खोल लें, 1 plus a ब्रैकेट, ये कॉलम ये रो खत्म, ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके इससे सब्ट्रैक्ट करना होगा, 1 plus b into 1 plus c minus
वन, ये रो ये कॉलम कैंसिल करके इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इससे सब्ट्रैक्ट किया, सेकेंड एलिमेंट क्या होगा माइनस साइन के साथ आएगा, तो माइनस वन इंटू ये कॉलम ये रो खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन प्लस सी माइनस वन प्लस वन, थर्ड एलिमेंट के लॉन्ग ये रो ये कॉलम गए, इससे मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन माइनस बी, ठीक है, वन से वन मल्टीप्लाई होगा, इससे वन मल्टीप्लाई होगा माइनस आई। अब इसे हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो वन प्लस ए इंटू इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वन प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी माइनस वन, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया इसको करेंगे, ये वन कैंसिल हो रहा है, ये वन कैंसिल हो रहा है, तो सिर्फ सी बच रहा है यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे माइनस बी, ठीक है। अब हम लोग इसे फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं क्या बन रहा है, ये वन भी कैंसिल हो रहा है इस ब्रैकेट में, अब इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बी प्लस सी प्लस बी सी, ठीक है, और ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, ये वन और ए से मल्टीप्लाई करके आ गया, और सेकेंड थर्ड टर्म को तो एज इट इज माइनस बी माइनस सी लिख दिया, तो इससे क्या हो रहा है ये देखिए ये बी और ये बी कैंसिल हो रहा है, ये सी और ये सी कैंसिल हो रहा है, तो हमारा क्या बन रहा है जो बचे हुए टर्म है यहाँ से लिखते हैं हम लोग, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, ये हमारा फैक्टर, ये हमारा प्रोडक्ट का वैल्यू है, लेकिन हमें क्या प्रूव करना था ये जो है इसका फैक्टर है, ठीक है, तो अगर हम इस वाले पूरे टर्म में ए बी सी से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, ए बी सी और ए बी सी से डिवाइड मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में करेंगे तो क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, ठीक है, इस वाले फैक्टर को डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को इनसाइड ले जाते हैं हम लोग, तो ये क्या बनेगा ए बी सी तो आउटसाइड रहेगा, इस तीनों चारों फैक्टर में ए बी सी से डिवाइड होगा, तो ये बनेगा ए बी अपॉन ए बी सी प्लस बी सी अपॉन ए बी सी प्लस ए सी अपॉन ए बी सी प्लस ए बी सी अपॉन ए बी सी, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है ए बी सी, फिर से मैं यहाँ क्लियर लिख देता हूँ ए बी अपॉन ए बी सी प्लस बी सी अपॉन ए बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी सी प्लस ए बी सी अपॉन ए बी सी, ये हमारा ए बी सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने, तो ब्रैकेट वाला टर्म देखेंगे तो हम लोग क्या बन रहा है ए बी कैंसिल वन बाय सी, बी सी बी सी कैंसिल वन बाय ए, सी ए सी ए कैंसिल वन बाय बी, और यहाँ वन प्लस वन, ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर यहाँ दिख रहा है, और इसे अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे एक्स इंटू वाई तो हमारा वाई क्या फैक्टर बन रहा है वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन, तो वाई क्या था हमारा एक फैक्टर था, एक्स भी हमारा एक फैक्टर था, इसे भी हम लोग फैक्टर बोलते हैं और इसे भी हम लोग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, दो फैक्टर में था, तो एक्स वाई हमारा प्रूव हो गया कि एक फैक्टर है, और अगर इस यहाँ एक्स देखेंगे तो क्या है ए बी सी, ये भी इसका एक फैक्टर है, तो इस डिटरमिनेंट का दो फैक्टर हमने निकाल लिया ए बी सी और वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन। फर्दर हम लोग बोल सकते हैं कि ए भी एक फैक्टर है, बी भी एक फैक्टर है, सी भी एक फैक्टर है, क्योंकि ये सर तीनों क्या है मल्टीप्लीकेशन है, तो इसके ए फैक्टर है, बी फैक्टर है, सी फैक्टर है, और ये पूरा ब्रैकेट एक फैक्टर है, ठीक है, इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कई क्वेश्चन
करोड़ क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारा अगेन डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स है, बट ये क्रैमर रूल पे सॉल्व हुआ है, क्रैमर्स रूल। इक्वेशन क्या गिवन है, x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 6, दूसरे के 2x प्लस 4y प्लस z इक्वल्स टू 17, 3x प्लस 2y प्लस 9z इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्रैमर्स रूल स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करते थे। डिटरमिनेंट पहले सबसे कोफिशियंट मैट्रिक्स लिखना होता था, स्टेप वन क्या होता था कि कोफिशियंट मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट निकालते थे। कोफिशियंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ठीक है, तो कोफिशियंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मतलब कोफिशियंट इसको लिखेंगे 1, 2, 3, 2, 4, 2, 4, 1, 9। सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जीरो है या नॉन जीरो है, उसके बाद हम लोग कमेंट कर सकते हैं इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इसे हम लोग डायरेक्ट भी ओपन कर सकते थे या फिर एक छोटा सा इसमें भी हम लोग कॉलम ऑपरेशन अगर यूज करें तो क्या बनेगा, हम लोग सी टू को रिप्लेस कर रहे हैं सी टू माइनस टू टाइम्स सी वन। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं माइनस टू टाइम्स सी वन, मतलब सी टू जो है उसमें हम लोग इसको दो से गुना करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, फर्स्ट वाला तो एज इट इज लिखा है, इसमें दो से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बनेगा जीरो, इसमें दो मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे अगेन जीरो, इसमें दो से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टू माइनस सिक्स माइनस फोर, थर्ड वाला तो एज इट इज खुल जाएगा। अगेन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि जिस रो या जिस कॉलम के अलोंग ज्यादा से ज्यादा जीरो हो उसके अलोंग हमें खोलना चाहिए, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड कॉलम के अराउंड क्या है सबसे ज्यादा जीरो है तो उसके अराउंड हम लोग खोल रहे हैं। तो अगर इसका नाम हम लोग डेल्टा दें तो इस वाले कॉलम के अलोंग खोलेंगे तो फर्स्ट वाला माइनस साइन के साथ खुलता, सेकेंड प्लस साइन के साथ और ये माइनस साइन के साथ, तो माइनस एक और डी माइनस है माइनस माइनस फोर, ये रो और ये कॉलम गायब हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई यानी कि 1 माइनस 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 इंटू 1 माइनस 8 माइनस 7 यानी कि माइनस 28। ठीक है, तो हम क्या देखें ये नॉट इक्वल्स टू 0 है यानी कि सॉल्यूशन इसका क्या होता है एग्जिस्ट करता है, इसे हम लोग कंसिस्टेंट इक्वेशन भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सिंपल मीनिंग है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखे थे कि एक्स अगर निकालना होता था तो डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, वाई निकालना होता था तो डेल्टा टू अपॉन डेल्टा और जेड निकालना था तो डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा, और ये डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री कैसे कैलकुलेट होता था, अगर डेल्टा वन फाइंड करना होता था तो हमें क्या करना होता था, फर्स्ट कॉलम को ये जो कांस्टेंट वो वैल्यूज है इससे रिप्लेस करना होता था, मतलब डेल्टा वन निकालना हो तो 1, 2, 3 के बदले 6, 17 और 2 लिखेंगे, बाकी एज इट इज लिखेंगे 2, 4, 2, 4, 1, 9। ठीक है, इसे अब हम लोग किसी भी रो या कॉलम के अलावा खोल सकते हैं, मान लीजिए हम लोग 6 के अराउंड खोलते हैं, ये वाला जो कॉलम इसके अराउंड खोलेंगे तो 6 से ये कॉलम ये रो कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 36, 36 माइनस 2 और सेकेंड में क्या होगा माइनस 17, ये खत्म 9, 2, 18 माइनस 8। ठीक है, ये 9, 2, 18 माइनस 8, थर्ड क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस 16। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, ये क्या बनना 36 माइनस 2 34 इंटू 6
सिक्स इंटू 34 माइनस 17 इंटू 10 मतलब 170, 10 माइनस 8 10 17, 2 माइनस 16 माइनस 14 इंटू 2 माइनस 28 और 6 इंटू 34 कितना होगा, 6 4 जो 24, 6 3 जो 18 इंटू 204 और ये माइनस 198, तो क्या वैल्यू आ रही है, 2 और 4 6, ठीक है। तो हमने डेल्टा वन की वैल्यू फाइंड कर ली, के वैल्यू क्या होगी, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, डेल्टा वन की वैल्यू हमने क्या निकाला था, डेल्टा वन की वैल्यू हमने माइनस 28 निकाला था और डेल्टा वन की वैल्यू 6 है, तो मतलब 6 अपॉन माइनस 28, 2 से अगर कट करेंगे तो 3 अपॉन माइनस 14। इसी तरह डेल्टा टू निकालेंगे हम लोग, तो डेल्टा टू में हमें क्या करना पड़ेगा, कोफिशियंट मैट्रिक्स में सेकेंड वाले कॉलम को हमें इससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 6 17 और 2 और थर्ड तो सेम लिखाएगा 4 1 9। अगेन हमें इसे ओपन करके लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर इसके अलॉन्ग खोलते हैं तो ये क्या होगा, ये कैंसिल 79 और 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा 153 माइनस 2, इसके अलॉन्ग फिर खोलेंगे तो क्या होगा, माइनस 2 इंटू ये 54 माइनस 8, ठीक है। ये 3 के अलॉन्ग खोलेंगे तो 6 माइनस 3 प्लस 3 इंटू 6 माइनस 68, 6 माइनस 68, तो ये क्या बन रहा, 151 माइनस 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 46 और ये प्लस 3 इंटू माइनस 62, तो 151 माइनस 92 माइनस 186, 3 इंटू 62। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 151 माइनस 628 89 27, 628। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, माइनस 10 60 में से क्या 7, 7 में से 5 क्या 2, 2 में से क्या 1, ठीक है। तो यहाँ हमें डेल्टा 2 निकल के आ गया, सॉरी डेल्टा 2 आ गई वैल्यू यहाँ 1s माइनस 127, तो y की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 क्या है, माइनस 127 है और डेल्टा माइनस 28, तो इसे सिंपली हम लोग माइनस प्लस हो जाएगा 127 में 28। इसी तरह से हम लोग थर्ड मैट्रिक्स के लिए डेल्टा 3 निकालेंगे, इसमें थर्ड कॉलम को हम लोग जो डेल्टा वाला हमारा डिटरमिनेंट था, जो डेल्टा वाला हमारा डिटरमिनेंट था उसमें हम लोग थर्ड को रिप्लेस करेंगे कॉन्स्टेंट वाले राइट हैंड साइड वाले वैल्यूज, तो डेल्टा 3 क्या होगा, 1 2 3, तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स वाला फर्स्ट टू वही लिखाएगा, थर्ड में 4 1 9 को इससे रिप्लेस करेंगे 6 17 और 2, तो हमारा डेल्टा 3 क्या होगा, 1 के अलॉन्ग ओपन करेंगे तो 8 माइनस 34 और ये 2 के अलॉन्ग माइनस 2 इंटू 4 माइनस 12 प्लस 3 के रो 34 माइनस 24, ठीक है। 8 माइनस 26 माइनस 2 इंटू माइनस 8 इन प्लस 8 और ये प्लस 3 इंटू 34 10, यानी कि क्या वैल्यू आ गई,
माइनस 26 प्लस 16 प्लस 13, ठीक है, तो क्या बन गया माइनस 26 प्लस ये 30 था 46, सब्ट्रैक्ट होकर क्या है 20, ठीक है। तो यानी कि जेड के वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 3 क्या है अभी निकाला हमने 20, डेल्टा माइनस 28। तो इसे हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 5 का 7, 4 7 ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दिया। इस तरह से हम लोग आज के लेक्चर में हम लोगों ने मेनली डाउट क्लियरेंस और रिवीजन किया। अगर हम लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के सवाल को कर रहे हैं तो एक छोटा सा कंसेप्ट भी सीख लेते हैं, क्योंकि आज हमने कुछ भी नया नहीं सीखा, तो कोई सा भी लेक्चर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हम कुछ नया लर्न नहीं करें। नो डाउट हमें बहुत सारी प्रैक्टिस इसमें हुई। एक छोटा सा कंसेप्ट उसे सीखते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये क्या होता है। सिंपली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर ये कोई ए मैट्रिक्स है और उसके ट्रांसपोज को हम लोग उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल सकती है। ऑब्वियसली ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, दोनों साइड ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाए तो इनवर्स ए को क्लब किया, ए इनवर्स इनटू आई क्या होगा, ए इनवर्स ही बन जाएगा क्योंकि आई तो क्या आइडेंटिटी है, सेम वैल्यू देगा, ए इनवर्स आई बन गया तो ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स, फिर से ये ए ट्रांसपोज आई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम डिटरमिनेंट मैट्रिक्स देगा और ये बन गया, ठीक है। तो इधर आप इसे याद रख सकते हैं, अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज करने पर आई आएगा और ए इंटू सॉरी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स हो सकता है। आपको 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रूव दैट ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये आपको प्रूव करना था। और ए क्या गिवन था हमारा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, ये गिवन है। तो हमें ए ट्रांसपोज निकालना है, तो ए ट्रांसपोज में हमने क्या देखा था, हम लोग रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा, तो कॉलम बनेगा तो कॉस थीटा साइन थीटा। सिमिलरली सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं, मतलब कि ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2x2 है, ये भी 2x2 है, मल्टीप्लीकेशन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके जितने कॉलम्स हैं उतने इसके रोज हैं, तो इधर से मल्टीप्लाई इधर होगा, कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या है साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये सेकेंड में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा। हम लोग इस वाले को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करें तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको लास्ट में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है इस मैट्रिक्स में, ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या बन रहा है, ये आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये तो कैंसिल हो रहा है, जीरो बन रहा, दिस प्लस दिस माइनस, ये माइनस प्लस ये भी जीरो बन रहा है और ये फिर से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन रहा है। तो अगर ऐसे हम देखेंगे तो ये क्या है,
टू क्रॉस टू की आइडेंटिटी है, ठीक है, इसे हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ए ट्रांसपोज हमारा क्या निकल के आ गया, आइडेंटिटी, जो कि वैलिड है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए। आप चाहे तो ए इनवर्स भी निकाल सकते हैं इसका और उसे ए ट्रांसपोज के बराबर दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग नए कंसेप्ट आज एक सीखे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आज का लेक्चर होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, प्रोडक्टिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अगले क्लास में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम्स को कंटिन्यू करते हैं।